सर पानी फुकारा? नहीं नहीं ऊपर पहले जाके मंदिर के दर्शन करेंगे फिर। Hello, how are you? I'm fine. I've not met you for such a long time. Look at you. Oh, yeah. Yeah. Oh, lovely name. और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा लंगर है जो देवता जी की कृपा है।
ये पिछले 2-3-4 साल से लगातार चल रहे हैं, कम से कम 5 साल से ऊपर हो गए। तो हर साल यहाँ अंदर होता है और कुछ से बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ, और ये हर साल चलता है। और ये साल में और एक दिसंबर की प्रवासी होती है, उस पर भी यही मुंडन होता है और होता है। आज ये बुधवार को पूर्णिमा दिन ने बाबा जी के उसकी सोच को आने वाली याद रखी है। ये दिव्य स्थान है, ये कहीं हजार साल पहले इसका वजूद में आना बताया गया, लेकिन हम रंजी से यहाँ आते हैं। यहाँ इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ बर्तन वगैरह यहाँ ही इसी पावली से निकले, ऐसा लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा जरूर प्रतीक है यहाँ देखने हजार में दादा सभी लोग आए, सभी का ये मानना कि एक अच्छा स्थान है, यहाँ शांति मिलती है, यहाँ देशभक्ति की बात होती है, यहाँ भाईचारे की बात होती है, यहाँ हिंदुस्तान की एकता की बात होती है। आज हम सभी इस महान दिन पर मैं तमाम कुछ मैं इस दिन को बहुत बार देता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे इस साल लोग आए हैं और इस साल इससे भी ज़्यादा लोग आए हैं, ये जो हमारे दिव्य स्थान है जिनकी वजह से हम यहाँ स्कूल से हैं, ब्याह से हैं, भाईचारे से हैं, जैसे लोहर देवता की स्थान है, जैसे साई एल एम एक्सी साहब है, जैसे दशरथ मंडल है, जैसे निगल साहब है, जैसे पूरा मनाता है स्थान है, जिन्हें यहाँ जिनके यहाँ आने से यहाँ प्यार बढ़ता है, आपस में एकता होती है। और इस स्थान पर जब से ये रेनोवेट हुआ है यहाँ बहुत बड़ा रोल है मीडिया का, भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। मीडिया ने अक्सर यहाँ की भाईचारे की बात जागरूक की है। आज देखें यहाँ रजौरी से लोग आए हैं, अंदर से लोग आए हैं और दिल्ली से भी कुछ लोग आए हैं जो बाबा जी के मानने वाले हैं। आज के दिन से फिर एक बार तमाम उन लोगों को जो यहाँ आए हैं उनके लिए दवा करूँ, बाबा जी को उनकी मन की बातें की गई, ये शांति से हैं, भाईचारे से हैं, हमारे मुल्क का जो एकता का एक मैसेज है वो और ज़्यादा मजबूत और बहुत बहुत है। मैं आपको बताऊं कि आज मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैंने ये देखा यहाँ पे हिंदू मुसलमान हजारों की तादाद में साथ में होकर ये दिन मना रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के सब नवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप असली हिंदुस्तान देखना है तो यहाँ पे आके देखिए कि कैसे हम सब लोग ज्यारतों पे, मंदिरों पे और जो ये पवित्र स्थान है इनमें हम कैसे एक होके दिन मनाते हैं। और आज हम सब ने एक होके आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने मिल के हमने दुआ की कि हमारे मुल्क में अमन और अमान हो और हमारा भाईचारा हमेशा कायम हो। Yes.
महालक्ष्मी प्रसिद्ध सर मम बाबा चलो काम कर के आज हर साल जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर लोअर देवता में एक सालाना यज्ञ और का आयोजन किया जाता है। इस साल भी सालाना यज्ञ का आयोजन किया गया और यहाँ पर सभी हमारे सभी हिंदू मुस्लिम सिख भाई सभी मिलजुल कर इस यज्ञ का आयोजन करते हैं। इसमें जो है सभी पुंछ के लोग जो हैं दूर दराज से यहाँ पर जो स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी के और सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और ये एनुअल्स प्रोग्राम जो है ये हर साल की तरह इस बार भी पूरे धूमधाम के साथ यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है।